तो मेरी दादी की किचन, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मंचूरियन। तो मैंने बंदा को मैंने घिसा हुआ है और मैंने इसको चॉप कर लिया है रेड शिमला मिर्च और येलो शिमला मिर्च, और अब मैं प्याज को भी कर रही हूँ चॉप। तो अभी आंटी लहसुन को कर रही है, छील रही है इतना सा। आपको ये दो लेने हैं, एक येलो वाला एक रेड वाला। तो मैंने रेड वाला आधा बचा दिया है और दो प्याज प्रॉपर। फिर हमें इसको सब काट पीट के रखना है, फिर आगे दिखाते हैं। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मंचूरियन। तो ये है मेरी सब्जी जो हमने सारी चॉप करके रखी हुई है, देख सकते हैं आप। और हमने इसका पानी, जो बंधा का जो पानी होता है ना, उसको मैंने इस बाउल में निचोड़ के रख दिया है। तो ये है, और ये हमारा जिंजर गार्लिक और मिर्च है, ये हमने चॉप करके साइड में रखा हुआ था। तो हम इसको इसमें मिक्स कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और हमें ग्रेवी के भी उसमें यूज़ होना है। हम इसमें हल्के हल्के से मसाले डालेंगे। हम हल्का सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया। और हमने सारे मसाले इसमें मिक्स किए हैं। आधा रोट मिक्स कर, दो से तीन चम्मच में हमने इसमें सब सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। तो आप देख सकते हैं हम इसके बॉल्स बनाएंगे छोटे छोटे। तो इसको हम फ्राई करेंगे। जीरा डाला हमने इसमें अपने फ्लेवर के अनुसार, और हमने अपने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया। इस तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बॉल्स डालेंगे तो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, देख सकते हैं इसके बॉल्स बना रहे हैं हम, देख सकते हैं छोटे छोटे। देख सकते हैं इस तरह से। आराम आराम से करना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। इसी तरह से हमें करते रहना है। जब फ्राई जाएंगे मैं आपको तब प्रोसेस दिखाती हूँ इसका। हमने सारे सॉसेस तब बाउल्स में सब निकाल लिए हैं। 1-1 टेबल स्पून सारे सॉसेस हैं। ये सोया सॉस, ये विनेगर, ये वाला है इसको क्या बोलते हैं, रेड चिली सॉस है, और ये है टमाटो सॉस। और आप सेजवान सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरत नहीं है डालने की। हमने इतने सॉसेस लिए हैं। ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते तो आप ये सॉस डाल सकते हैं, ना ही तो फिर नहीं डाल सकते। बाउल्स ये हो चुके हैं और ये वाले फ्राई हैं। कॉर्नफ्लोर पाउडर भी मिक्स करके पानी में रख लिया है, देख सकते हैं इस तरह से ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए। सारा चॉप्स रखा हुआ है, कटा हुआ प्याज है, थोड़ा सा बंधा, रेड सॉस, रेड वाला है शिमला और येलो वाला शिमला है, गार्लिक और हरी मिर्च और जिंजर सब है। इस हम कलर थोड़ा सा लाने के लिए हम ये वाला कलर मिक्स करेंगे, वो भी 1 चुटकी बस और ज़्यादा नहीं। सब प्रोसेस तैयार है और मेरे को ग्रेवी बनानी है, तो आपको ग्रेवी बनाते समय दिखाऊंगी। तो हम ग्रेवी की तैयारी करने जा रहे हैं। तो अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी है ग्रेवी के लिए, तो ग्रेवी हम बनाने जा रहे थे थोड़ा तेज, तो गर्म होने तेल को थोड़ा सा डालना है इसमें ऑयल। ये देख सकते गर्म तेल बन गया, इसमें मिक्स कर रहे हैं प्याज, इसमें प्याज मिक्स कर दिए हैं ऑयल में। तो हमें इसको फ्राई करना है, ठीक है ना गाइस। तो फिर इसको फ्राई करके तब हम और सामान डालेंगे। इसको फ्राई करने के लिए देख सकते हैं, देख सकते हैं आप इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर दी है, जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च फ्राई कर सकते हैं। इसमें सारे वेजिटेबल मिक्स कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से मेरी नानी सारी वेजिटेबल मिक्स कर रही है। सोया सॉस मिक्स कर रहे हैं, आप देख सकते हैं विनेगर सॉसेस
सोया सॉस मिक्स कर रहे हैं, आप देख सकते हैं विनेगर सॉसेस टमाटो केचप इसमें कलर भी थोड़ा सा मिक्स किया, तो अब हमारा वाला पानी हमने इसमें मिक्स किया, तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे, तो ये गाढ़ा होने के प्रोसेस पे आने वाला है। हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, तब राइस मिक्स करेंगे कुएं में डाल रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं ग्रेवी में बॉल मिक्स कर दी हूँ, तो आपको दिख भी नहीं रहा है कि कौन से कुएं में चले गए वो सब। देख सकते हैं आप, दिखा ना चिली, ये है क्या बोलते हैं हम, मंचूरियन बन के रेडी हो चुका है एक तरह से, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करें। आपके लिए हम इतनी मेहनत करके ये सारी रेसिपीज बनाते हैं, तो आप ये सब ना करें तो फिर मेरा फ़ायदा क्या है रेसिपी बनाने का। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, ओके। फ्रेंड्स हम सब कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, आप देख रहे हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स हमारी डिश बन के रेडी हो चुकी है, आपको कैसी लगी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और चैनल को खूब सारा प्यार दें। तो फिर मिलते हैं इस वीडियो में इसी तरह से, फिर तक के लिए बाय बाय।